फ्रेंड्स वेलकम टू ज्ञानी। दोस्तों आज हम बात करेंगे फोड़े के बारे में। हमारे कुछ व्यूअर्स हैं, उनकी इतनी ज़्यादा डिमांड थी कि भाई फोड़े के बारे में बताइए, फोड़े के बारे में। मैं भी कंफ्यूज था कि मैं किस फोड़े के बारे में बताऊँ, किस तरह के फोड़े के बारे में बताऊँ। तो एक अपन एक स्टैंडर्ड वे लेकर चलते हैं कि अपन एक बेसिकली अपन फोड़ों के बारे में बात करेंगे। कई लोगों को हो जाते हैं, तो देखिए आपके बहुत काम आने वाला है ये वीडियो। तो शुरू करते हैं दोस्तों, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं फोड़े की। तो फोड़े बच्चे, बूढ़े, जवान, महिला, पुरुष किसी को भी कहीं ना कहीं हो जाते हैं। तो फोड़े होते हैं, और एक होता है क्या, कार्बनकल। एक कंडीशन होती है कार्बनकल, एक होता है फोड़ा। फोड़ा क्या होता है भाई, वहीं के वहीं बना और गठन टाइप का बन गया और पक गया, पेन हो रहा, पस बन रहा है। लेकिन क्या होता है कार्बनकल में, क्या होता है कि फोड़ा बनता है उसी के आसपास और छोटे छोटे फोड़े बन जाते हैं, गुम्मट टाइप का बन जाता है, उसे बोलते हैं क्या, कार्बनकल। तो आपको यहाँ पर पहचानना होगा कि भाई आपको क्या प्रॉब्लम है, ठीक है। अब बात आती है भाई फोड़े होते क्यों हैं। तो देखो बहुत सारे इन्फेक्शन्स हो जाते हैं, कई तरह की मेडिकल कंडीशंस हो जाती है, तब हो जाते हैं। बट मोटा मोटी स्टैंडर्ड बोला जाए कि भाई क्या होता है कारण, कि देखो जब भी कभी हमारे स्किन में इन्फेक्शन होता है, जहाँ पे स्पेशली जहाँ पे बाल होते हैं, जिस जगह पे बाल होते हैं वहाँ पे क्या होता है, पोर होता है, स्किन का एक छेद होता है बहुत, जहाँ से पसीना निकलता है। तो उस जगह पे कई बार क्या होता है कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाता है, बैक्टीरिया स्किन के अंदर घुस जाता है, बोलना चाहिए एंटर कर जाता है। तो क्या होता है, बैक्टीरिया अपनी तादाद को बढ़ाता है, इन्फेक्शन फैलाता है एक प्रकार से। तो जब इन्फेक्शन फैलाता है तो वहाँ पर हमारे शरीर की WBCs पहुँचती है उस बैक्टीरिया से लड़ने के लिए, ठीक है। मान लो उदाहरण के लिए मान लो आपकी भाई बैक्टीरिया है एक, और WBC पहुँच गई कितनी, 100 या व्हाटएवर 10 पहुँच गई, तो बैक्टीरिया तो मर जाता है, लेकिन वो जो WBCs होती हैं हमारे शरीर की जो नॉर्मल हेल्दी सेल्स हैं उनको भी डिस्ट्रॉय कर देती हैं। तो इस चक्कर में क्या होता है, वहाँ पे एक छोटा सा घाव बन के रह जाता है, तो दिखेगा नहीं आपको, इस दौरान भी आपको दिखेगा नहीं। अब फिर होता ये है कि उतना टिश्यू पूरा का पूरा कमज़ोर हो जाता है, वो जगह कमज़ोर हो जाती है, फिर वहाँ पे क्या होता है और बैक्टीरिया पहुँच जाते हैं, तो वो फैल जाते हैं, तो धीरे धीरे करके वो बढ़ जाता है और पस फॉर्मेशन हो जाता है, बोलना चाहिए कि मवाद बनने लगता है। छोटा मोटा फोड़ा होगा तो उसको आप फोड़ेंगे तो पस निकल जाएगा। तो कभी भी एक टिप है यहाँ पे मेरी तरफ से, कि कई लोगों के साथ ऐसा होता है कि फोड़े बनते हैं, तो कई लोग कहते हैं हमने घर पे फोड़ लिया था वो ठीक हो गया, और वही चीज़ कोई दूसरा आदमी ट्राई करता है वो फोड़ने की कोशिश, लेकिन उसका फोड़ा बढ़ जाता है। तो ये क्यों होता है, देखो क्या होता है कि देखो डॉक्टर भी जब आपकी ड्रेसिंग करेगा फोड़े को जब सही करेगा तो उसका मवाद निकालेगा, लेकिन उसका दबाने का तरीका, उसका एंगल वो वही जानता है, उसको प्रैक्टिस है कि किस तरह से दबाना है। अगर आपने दबा दिया उल्टा सीधा तो क्या होगा कि जो नॉर्मल हेल्दी सेल्स हैं वो भी कनेक्ट हो जाएंगे और जो मवाद है वो अंदर और पहुंच जाएगा। तो आपको दबाने का आइडिया नहीं है, तो आप घर पे कभी भी उसको दबाने की कोशिश ना करें, क्योंकि उसमें दो कंडीशन बन जाती हैं, या तो वो ठीक हो जाएगा या तो और बढ़ जाएगा। तो ये कारण है। तो कभी भी फोड़ों को आपको ऐसे दबाना नहीं है, छोटा मोटा है ठीक है वो निकल जाएगा, लेकिन अगर बढ़ गया है तो आपको डॉक्टर को दिखाना चाहिए। अब होता क्या है यहाँ पे दोस्तों, कि फोड़े जब बन जाते हैं तो कई बार उनमें मवाद बनता है, थोड़ा साइज बड़ा हो जाता है, पस बनने लगता है, मुंह बन जाता है, अगर उसको फोड़ेंगे तो उसमें पस निकल जाएगा, दर्द होता है बहुत तेज, ठीक है। तो ये सारे होते हैं क्या, फोड़े। और कई बार ऐसा ट्यूमर जैसा लगने लगता है, गठान जैसी अंदर से महसूस होती है, वो दिखता नहीं है कुछ भी, मुँह नहीं बनता, हाँ गठान है कुछ गिठली टाइप की समझ में आएगी आपको कि अंदर कुछ तो है जो है हार्ड टिश्यू टाइप का होगा। तो वही होता है, वो बैक्टीरियल ग्रोथ की वजह से वहाँ पे इन्फेक्शन बन जाता है। और ये जो फोड़े होते हैं बेसिकली आपको गर्दन के आसपास, छाती पे, फेस पे, पीठ पे ज़्यादातर होते हैं ये फोड़े वगैरह जो भी है, ठीक है। थाई वगैरह पे हो जाते हैं कई बार, तो कुछ ही लिमिटेड हैं, हर जगह पर नहीं होते हैं। तो ये है, कई लोगों में हो भी जाते हैं। तो इसमें होगा क्या, देखो फोड़े जो होते हैं कई बार 99% तो ऐसा होता है कि भाई वो खुद ही ठीक हो जाते हैं, लेकिन कई बार आदमी उसमें उंगली कर लेता है या उसका केयर नहीं कर पाता तो वो बढ़ जाते हैं। कारण क्या हो सकते हैं फोड़े होने के, देखो पुअर हाइजीन, कई लोग ऐसे होते हैं नहाते वहाते नहीं है, साफ सफाई मेंटेन नहीं कर पाते, ठीक है ना, खेती बाड़ी का काम है, इतना प्रॉपर अपने बॉडी को हाइजीन नहीं रख पाते। यहाँ पे मैं गाँव वालों की बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि गाँव वाले बड़े ऑफेंड हो जाते हैं, भाई आपने गाँव वालों के बारे में ऐसा क्यों बोला। होता ये है कि ठीक है सभी लोग नहाते धोते हैं, बट उतना केयर नहीं कर पाते हैं जितना होना चाहिए, तो कई बार उनको हो जाते हैं फोड़े वगैरह, ठीक है। तो ये है, कुछ एथलीट्स होते हैं, कुछ स्पोर्ट एक्टिविटीज़ होती हैं उनके चलते भी हो जाते हैं, कोई पसीना वगैरह आता है तो फोड़े हो जाते हैं,
जैसे कि रग्बी है, रग्बी हो जाता है, रग्बी एक गेम मान लो आप, या बॉक्सिंग, कबड्डी, इन सब में क्या होता है, पसीना आता आदमी को, एक दूसरे से कॉन्टैक्ट होता है, स्किन पर प्रेशर पड़ता है, तो कहीं ना कहीं से फोड़े तो डेवलप हो ही जाते हैं। तो ये है, तो आई थिंक इतना आप समझ गए होंगे कि फोड़े क्या है, क्यों हो जाते हैं। अब आती बात की करें क्या, देखो किसी किसी के साथ ऐसा होता है कि उसको फोड़े होते ही रहते हैं, तो उसको ये समझना होगा कि भाई वो कहीं ना कहीं मिस्टेक कर रहा है, पुअर हाइजीन है, तो उसे अपने शरीर को साफ रखना शुरू करना चाहिए। जिस जगह पे फोड़े हो रहे हैं वहाँ पे आप गर्म पानी की सिकाई कर सकते हैं, पानी लेके उसको आप स्किन को साफ कर सकते हैं, डेटॉल डाल लो या व्हाटएवर कोई भी आप डाल सकते हैं अपने अनुसार, जो भी एंटीसेप्टिक हो, ठीक है, इनसे आप साफ कर सकते हैं। भीड़ भाड़ वाली जगह पे ना जाए, बस ट्रेन में आदमी फंस फंस के बैठता है, तो अगर वो चीज़ आप करते हैं तो उसको थोड़ा कम कर दो, अवॉइड कर दो, तो बहुत हद तक आपकी बॉडी में फोड़े फुंसियाँ होना कम हो जाएंगे। मैं यहाँ पे एक्ने की बात नहीं कर रहा हूँ, कई लोग सोचे एक्ने की बात चल रही है, एक्ने अलग चीज़ होती है, जो फुंसियाँ मुहासे होते हैं वो अलग चीज़ होती है, ठीक है, लेकिन क्या होता है कि यहाँ पे फोड़े अगर आप हल्के में लेते हो तो रिस्क भी कुछ होता है। फोड़े का रिस्क ये होता है कि भाई सेलुलाइटिस हो सकता है, या सेप्टिसीमिया हो सकता है, बहुत सेप्सिस हो सकता है, ये जो स्किन के ही जो घाव वगैरह होते हैं उनके ना ठीक ना होने की वजह से कुछ सीरियस कंडीशंस डेवलप हो जाती हैं। कुछ लोगों में ये फोड़े ज़्यादा होते हैं, जैसे कि लड़कों में ज़्यादा पाए जाते हैं, कुछ स्पोर्ट्स जो खेलते हैं उनमें हो जाते हैं, या कोई ज़्यादा काम करता है भीड़ भाड़ में उनमें हो जाते हैं, या कोई मोटा व्यक्ति है उसको भी हो जाते हैं, किसी को शुगर की बीमारी उसको हो जाते हैं, थायराइड की बीमारी उसको हो जाती है, तो ये चीज़ समझना पड़ेगी, ठीक है। तो आई होप आप समझ गए होंगे फोड़ों के बारे में कि भाई फोड़े होते क्यों हैं। जस्ट एक बैक्टीरियल ग्रोथ होती है जो कि शरीर में बढ़ने लगती है, उसको आप छेड़ोगे तो वो और ज़्यादा बढ़ जाएगी, ठीक है। बाल तोड़ अलग चीज़ होती है, बाल तोड़ के ऊपर मैं वीडियो बना चुका हूँ, आप वो देख लेना, बहुत डिटेल में बताया है, तो आपको वो भी समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आप देख रहे थे ज्ञानी अर्थ मेडिकल चैनल, मैं हूँ शिवम, तो मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।